रांची वाले मेरा बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। आज शत्रु दमन का एक विधान बता रहा हूं, आसान विधान है, 1000 जाप में सिद्ध हो जाता है और उसके बाद जल में ही इसका हवन करते हैं, दशांश हवन होगा। मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि गुरुजी अगर मंत्र जाप करके दशांश हवन छोड़ दें तो क्या उसका लाभ होता है। दशांश हवन होता क्यों है ये समझना बहुत जरूरी है। एक विषय सही है कि चाहे हवन कोई भी हो उसमें अग्नि तत्व में जो देवी देवता हैं वो प्रकट होते हैं और आपके हाथ से भोग लेते हैं। जो लकड़ी जलाकर हवन ना कर पाए वो अपने अंदर की अग्नि में भी हवन कर सकता है, लेकिन क्योंकि ये अग्नि आम व्यक्ति में काफ़ी धीमी होती है, उसमें देवता को प्रकट होने में कष्ट होता है या फिर दिक्कतें आती हैं, इसीलिए हम लोग बाहर अग्नि जला करके हवन करते हैं। तो दशांश हवन क्यों करते हैं? मान के चलो कि किसी पूजा में या किसी पूजा विधान में 1000 जाप है। जैसे इस पूजा विधान में मैं आपको बताने वाला हूँ कि 1000 बार आपको जाप करना है, उसके बाद इसका दशांश हवन होगा जल में ही, ठीक है। बहुत सारे विधानों में दशांश हवन के बाद फिर दशांश तर्पण होता है, फिर दशांश जो है वो मार्जन होता है और फिर उसका दशांश ब्राह्मणों का भोजन होता है। तो ये व्यवस्था क्यों लाई गई? ये व्यवस्था इसलिए लाई गई, जो पहला दशांश, पहला जो आप मंत्र जाप करते हैं वो मंत्रों को आप परफेक्ट करते हैं, उससे आप में कुछ शक्तियां जागृत होती हैं, कुछ शक्तियों का प्रत्यक्ष करते हैं। मान के चलो 1000 जाप आपने किया, उसके बाद उसका दशांश मतलब 1/10 आपने हवन किया। जब 1/10 आप हवन करते हैं मतलब 100 हवन, तो उसका पावर इज इक्विवेलेंट टू 100 जाप। फिर उसका 1/10 आप मार्जन करते हैं, ठीक है। तो जो 1/10 का हिसाब इसलिए दिया गया है क्योंकि 1000 जाप के बराबर होता है उसका 1/10 यानी दशांश हवन। इसीलिए हवन बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो आप लोग समझ लो कि हवन अगर नहीं करते हो तो मेजर मिस करते हो। अब आते हैं इस साधना पर। शत्रु दमन साधना सबके लिए जरूरी होता है क्योंकि हर व्यक्ति आपके आसपास जो हो वो बहुत शक्तिशाली नहीं होता है। बहुत व्यक्ति आपके आसपास ऐसे होते हैं जिसको कुछ लोग परेशान करते हैं, बहुत आप में से होंगे जिसको लोग परेशान करते हैं और ऐसे लोगों को दाब के रखना पड़ता है। तो रुद्रमालय तंत्र में विश्वाय नाम की एक गंधर्व का साधना है। इस साधना में बहुत मंत्र यंत्र तंत्र नहीं है, इसमें अल्पवस्त्र या निर्वस्त्र होकर के जल में छाती तक आपको खड़े रहना, मतलब छाती तक आपके जल रहे, और उसके बाद इस मंत्र का 1000 जाप करना है, ठीक है। इस मंत्र का 1000 जाप करने से ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। मंत्र क्या है? मंत्र है ओम विश्वाय नाम गंधर्व लोचनी नामी लौस्तिक करणे तस्मै विश्व वाय स्वाहा। ओम विश्व वाय नाम गंधर्व लोचनी नामी लौस्तिक करणी तस्मै विश्व वाय स्वाहा। इस मंत्र को जल में खड़े होकर के 1000 जाप करेंगे। 1000 जाप करने के बाद देखो, जो जिस सलीके के देवता होते हैं उनको उसी सलीके से आपको भोग देना होता है, ठीक है। तो इसमें हमें जल के माध्यम से जल के देवता को भोग देना होगा। तो इसमें क्या करना है, 100 बार आप जल में खड़े रहेंगे, अपने हाथ में जल उठाएंगे, मंत्र पढ़ेंगे और उसके बाद उसको गिराएंगे।
ऐसा करने से वो 100 बार जो दशांश हवन है वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, ये पूरी प्रक्रिया करने से आपका ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। सिद्ध होने के बाद जो भी व्यक्ति का आपको, जिसको आपको कंट्रोल करना है, जिसकी दुष्टता को आपको विराम लगाना है, जिसकी दुष्टता को आपको नाश करना है, उसके नाम से किसी भी जलाशय के बगल में बैठ करके और इस मंत्र का एक माला जाप करेंगे। पहले तो संकल्प लेंगे, जो संकल्प का विधान होता है, संकल्प लेने के बाद एक माला जाप करेंगे इस मंत्र का, और उसके बाद उस व्यक्ति के नाम से जल में ही 7 बार जल छोड़ेंगे। ठीक है, दशांश जल नहीं छोड़ेंगे, 7 बार जल छोड़ेंगे, और उसके बाद अपने घर पर बैठकर आप देखोगे कि कैसे जो सबको परेशान करने वाला है वो खुद परेशान होता है। हिंदू शास्त्र में और जो सनातन हमारा धर्म है उसमें दुष्टों को सजा देना कहीं गलत नहीं है, लेकिन जब हम और आप या एक आम सामाजिक व्यक्ति, एक आम व्यक्ति जो पारिवारिक है, एक आम व्यक्ति जो रोज 2 जून की रोटी के लिए लड़ा भिड़ा रहता है, वो दुश्मनी की परिभाषा सिर्फ उससे या फिर एक दुष्ट व्यक्ति की परिभाषा सिर्फ उससे मानता है जो कि उसके लिए हितकारी ना हो। एक व्यक्ति जो सिर्फ आपके लिए हितकारी ना हो वो जरूरी नहीं है कि वो पूरी दुनिया के लिए हितकारी ना हो, हो सकता है वो किसी और के लिए बहुत हितकारी हो, आपके लिए हितकारी है। तो जब भी आप मारन मोहन उच्चाटन इस तरीके के तंत्र प्रयोग को करते हैं तो इसमें एक चीज समझ लेना होता है कि गलत आदमी पे तंत्र प्रयोग नहीं करना चाहिए, वरना वो काम नहीं करता, इससे देवी देवता दुष्ट होते, रुष्ट हो जाते। देखो, ये जो विशेष मैंने साधना दी है ये जल तत्व का साधना है। ठीक है, तो इसमें ऐसा नहीं होगा कि आप पर जो है वापस अटैक होगा। जैसे जब बड़े बड़े तांत्रिक जब साधना करते हैं ना, जब किसी पे उच्चाटन या मारन चलाते हैं, तो वो अपने साथ एक मुर्गा या बकरा कुछ एक रखते हैं ताकि अगर तंत्र लौटे तो उस पर असर हो, ना कि तांत्रिक पर, क्योंकि उसमें अग्नि तत्व रहता है। ये एक ऐसी साधना है जिसमें जल तत्व से आप तंत्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जब आप जल तत्व से प्रयोग करते हैं तो शीतल होता है, जो तंत्र तांत्रिक शक्तियां हैं वो शीतल होंगी। ठीक है, इसमें बस एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि जलाशय या जल कुंभी या इस तरह की जो भी वस्तु है जो जल से रिलेटेड होगा, वहां पर आपको शौच या मलमूत्र नहीं करना। एक बार ये सिद्धि हो जाती है तो इसका हमेशा ध्यान रखिएगा, और जब भी जल के समीप जाइएगा या किसी नदी तालाब या कहीं भी जाइएगा तो पहले अपने पैर को नदी में नहीं रखिएगा, पहले हाथ को डालिएगा, जल को हिला लीजिएगा और उसके बाद अपने पैर को जल में डालिएगा। साधना आसान है, आप सब कर सकते हैं, ऐसे ही व्यक्ति पर कीजिएगा जो वाकई दुष्ट हो, जो समाज के लिए, देश के लिए या एक बड़े पॉपुलेशन के लिए अहितकारी हो। ऐसा नहीं कि आपको कोई बुरा लगा तो ये साधना कर दो, क्योंकि गुरुजी ने बोला है कि इस साधना का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक, बुरा करोगे तो कहीं ना कहीं जो आपका सोल है वो खुद इफेक्ट होता है और धीरे धीरे करके जो सोल है वो सिकुड़ने लगता है। ये आध्यात्म की बात है, जितना पुराना आपका सोल होता है उतना वो मैच्योर होता है इन सब चीजों में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। एक मोहिनी बताऊंगा जल से संबंधित, जल यंत्र से संबंधित, और उसमें जल यंत्र बनाना आप लोगों को सिखाऊंगा। उसमें भी ये है कि बहुत ज्यादा अनिष्ट नहीं होता है अगर वो बैकफायर करे। आज के लिए इतना ही। जिनको बेसिक साधना सीखनी है वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, नंबर है 9431188885। इसमें अघोर में आने के लिए जो प्रथम सिद्धि है वो आसन बंधन की दिशा बंधन की आसन बनाते हैं 3 महीने के साथ। हेलो, अघोर में आने से पहले जो भी विधान है, अपॉइंटमेंट लेने के लिए www.agurtantrahasya.xyz या www.agurtantrahasya.xyz। डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड कीजिए। मेरा प्रोफाइल है
अगर बहुत अर्जेंट हो तो व्हाट्सएप नंबर महालक्ष्मी आप सभी को आदेश अलग।